हेलो स्टूडेंट्स, अज जब तुसी अपनी 12th पास कर ली है, ग्रेजुएशन पास किए हुए हो, कितना कितने किसी कंट्री च अपना वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई किया है तो रिफ्यूज़ हो गया हैगा, या सोचते पे हो मैक्सिमम सक्सेस वास्ते किहड़े कंट्री अप्लाई करिए। तुहाडे कोल अज तीन कंट्रीज़ दी ऑप्शन बड़ी स्पष्ट निकल के आती है, बड़ी क्लैरिटी दे नाल। पहला कैनेडा, दूसरा यूके, तो तीजा ऑस्ट्रेलिया। अगेन कन्फ्यूजन आ जाता है, जिदे बैंड आ जाते हैं सब तो पहला कैनेडा वास्ते ट्राई करता है, कैनेडा रिफ्यूज़ हो जाता है, दोबारा एप्लीकेशन लाता, फिर रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर सोचता हूँ मैं किहड़े कंट्री अप्लाई करा ताकि मेरा वीज़ा आने के चांसिज बच जा, या एटलीस्ट वीज़ा मेरे हाथ हो जिद मैं तैयारी शुरू की सी 12th तो बाद अपने आल्स दिता सीगा या PT किया। यूके कन्नी देखते हो, यूके दे विच बढ़िया तौर पर लिमिटेशंस और अप्स एंड डाउनस देखने मिलते हैं। एडमिशन क्राइटीरिया दे विच कैश नहीं आया, कैश आ गया तो लॉजमेंट होगी, लॉजमेंट का रिजल्ट नहीं आया, यूनिवर्सिटी ने कहता मैं अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ कराने लिए क्योंकि कैश कैंसल करते पे है, एंड सो ऑन। बहुत सारिया चीज़ा दिमाग चल दिया ने की करिए ते की ना करिए, किहड़े कंट्री जाइए जिहड़ा पूरे का पूरा स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी नाल दसे। वैल, ऑस्ट्रेलिया बहुत देर का शांत सीगा, मार्च का शांत हैगा, हुण किते आके उन्हां दी आवाज़ निकलनी शुरू हुई है क्योंकि उन्होंने अपना मकैनिज़म तो सिस्टम स्ट्रोंग कर लिया जो वेलकम करते पे ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। पिछे असी बहुत सारी खबर देखियां, जिवें इसे मंच तो जरिए असी एक वैबिनार किया जिस विच अनाउंस किया सीगा, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी का ईमेल आना शुरू हो गया है भी असी अपनी पहली चार्टर्ड फ्लाइट फरवरी के महीने च लैके जावांगे अगले साल, इररिस्पेक्टिव बॉर्डर खुले हैं कि नहीं खुले, असी अपनी फ्लाइट ऑन करांगे। एंड उस तो बाद न्यूज़ आनियाँ शुरू हुई, बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट के प्रपोजल उन्हों की फैडरल गवर्नमेंट गए हैं। पिछले जे दो दिन पहला एक न्यूज़ आई दैट न्यू साउथ वेल ने प्रपोजल किया है 1000 स्टूडेंट एवरी वीक लियान का, फैडरल गवर्नमेंट को वापसी लियान का, जिन्हों के वीजे लगे हैं तो वह बाहर है। कि यह इंडिकेशन हैगा ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डरस इंटरनेशनल स्टूडेंट वास्ते खोलन लग्या है या खोलन की सोच रहा है, कि यह इंडिकेशन हैगा क्वारंटीन या दवाई दे आन दे ऐलान दे नाल कितने ना कितने नॉर्मलेंसी वाले जाते पे है। मैं पहला भी इस मंच तो क्या हरेक कंट्री अपनी पाइपलाइन तैयार करता पाया, हरेक कंट्री चाहता जिदन बॉर्डर खुलन उन्हों को एक हैंडफुल और मेरी भाषा ट्रकलोड स्टूडेंट्स हो ताकि आके वो इतने स्ट्रेट में आके अपनी पढ़ाई शुरू करन ते इकोनमी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करन। वैल, ऑस्ट्रेलिया भी उस रेस आ गया है। ऑस्ट्रेलिया अज की डेट के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स लैके, बहुत सारे डेस्टिनेशन लैके जिदे रीजनल एरिया प्रमोट करता पाया, 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, रीजनल सेंटर प्रमोट करता पाया 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, और मेट्रोपोलिटन सिटीज़ न प्रमोट करता पाया विद 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। डूज एंड डोंट्स हर कंट्री के होंगे ने, हरेक दे अजम्पशन या ट्रांसलेशन सी कोविड के दौरान, यू नो वीज़ा रेगुलेशन विल बी सिंपल, वीज़ा क्राइटीरिया विल बी सिंपल, पर यह जहाँ किसी कंट्री ने नहीं किया, अपने सिस्टम के हिसाब न अपने आप को प्रमोट किया तो एग्जीक्यूशन किया। आज ऑस्ट्रेलिया खुले हाथों के नाल एडमिशन स्टेज होवे या वीज़ा स्टेज होवे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वेलकम की तैयारी करता पे। आज तुसी एडमिशन लैन जाने हो जिथे एक आम ऑफर लैटर थोनू 4 हफ्तों चाहता सी, कितना कितने वह एडमिशन प्रोसैस बहुत फास्ट तो स्मूथ हो गया है, GT प्रोसैस फास्ट तो स्मूथ हो गया। ऑस्ट्रेलिया एको चीज़ तुसी अपने कंसल्टेंट नू पुछनी है, मेरी प्रोफाइल की GT कितने क्लीयर होंगी है, क्योंकि हजे तक उल्टा आंदा आया मैं मेलबर्न जाना, सिडनी जाना, ब्रिस्बेन जाना, जिथे एक स्टूडेंट अपना बहुत सारा टाइम तो कंसल्टेंट कितना कितने बहुत सारा एफर्ट वेस्ट करता सीगा, यू नो इट्स अ 2-वे रिलेशनशिप, तक टाइम तो एफर्ट नू बचाने वास्ते सीधा एक सवाल अपने कंसल्टेंट नू पुछना भी ए मेरी प्रोफाइल दी GT कितने क्लीयर होंगी है, मैं वो यूनिवर्सिटी दस दो। फिर भावें तुहाडा व्याह 6 महीने पुराना है, तुहाडे कोल कैश सैलरी हैगी है और तुहाडा स्पाउस ग्रैजुएट नहीं हैगा, तुहानू क्लैरिटी दे नाल यूनिवर्सिटीज़ दी ऑप्शन आनी शुरू हो जाएगी जिस भी कंसल्टेंट कोल पूरे दी पूरी नॉलेज होगी ऑस्ट्रेलिया की एडमिशन की एंड GT की, थोनों उत्थों ही कंसल्टेंट इनफॉर्मेशन या नॉलेज नाप सकते हो भी किस तरीके दे नाल ये प्रोसैस अगे जाएगा। जे तुसी कन्फ्यूज़ हो गए ऑस्ट्रेलिया की GT वास्ते, तुहाडी प्रोफाइल UK तो रिफ्यूज़ है और कैनेडा तो रिफ्यूज़ है, तो अज ही 9419 9419 ते फोन करके अपनी एलिजिबिलिटी चैक कराओ साडे एक्सपर्ट काउंसलर्स दे नाल। थैंक यू।